Now students, come on the next topic. Useful microorganisms. मैं ये बता दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आपके लिए यूज़फुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं. ओके, तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स. तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि दे आर यूज़फुल इन फूड बीवरेज इंडस्ट्री. नेक्स्ट पॉइंट, मेडिसिंस, वैक्सीन्स. थर्ड, इन एग्रीकल्चर. फोर्थ पॉइंट, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. ना फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील द फर्स्ट यूज इन फूड एंड बेवरेजेस. बेटा फूड में देखिए, जैसे मान लीजिए आपके घर में दूध से दही जमाती हैं मम्मी आपकी, क्या करती हैं, कभी ध्यान दिया है? दूध को हल्का सा हीट करके उसमें थोड़ी सी दही डाल देती हैं, थोड़ी सी, और फिर नेक्स्ट डे वो दूध से दही बन जाता है. दैट मीन्स द मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड. हाउ? लिसन टू मी. देखिए एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन. ओके, इस फर्मेंटेशन में होता क्या है इसको पहले समझिए. फर्मेंटेशन में माइक्रोब्स जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, माइक्रोब्स, ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं. कार्बोहाइड्रेट का दे ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स एंड मेक CO2 means carbon dioxide and alcohol or acid. CO2 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किस पर रिएक्शन करके बनाएंगे? शुगर पर, कार्बोहाइड्रेट पर. कही कार्बोहाइड्रेट पर रिएक्शन करके वो कार्बोहाइड्रेट को चेंज करेंगे किस में? CO2 में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल और एसिड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. और यही फंक्शन परफॉर्म होता है टू टर्न मिल्क इनटू कर्ड. क्या करते हैं हम लोग, देखिए मिल्क में लैक्टोज होता है, शुगर, अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ओके, शुगर इज सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो मिल्क में लैक्टोज होता है. अब हम करते क्या हैं, मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हम थोड़ा सा डाल देते हैं. वो बैक्टीरिया लैक्टोज को तोड़ देते हैं, या आप कहिए दे ब्रेक डाउन लैक्टोज इनटू CO2. दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड. कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन एंड इन दिस वे मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड. इसी तरह से देखिए बेटा और भी यूज़ है फूड इंडस्ट्री में. जैसे आप ब्रेड खाते हो, ढोकला खाते हो, केक है, इडली खाते हो, आप देखो तो स्पंजी टाइप का होता है, फ्लफी, ध्यान से देखो तो होल होल दिखाई देता है, उसमें छेद छेद दिखाई. कैसे बनता है ये? तो अभी अभी मैंने बताया कि जब फर्मेंटेशन होता है तो माइक्रोब्स कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं. कार्बोहाइड्रेट पर रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब इन चीज़ों में से इवॉल्व होता है, एक चीज़ और बता दूं, जैसे ये कुछ भी बनाना है आपको, ढोकला बनाना है, इडली बनाना है, इस तरह कोई भी चीज़ बनानी है आपको, ब्रेड बनाना है, तो आप डो तैयार करते हो. डो क्या होता है, व्हाट इज़ डो, डू यू नो? आप जब रोटी बनती है तो आटे को गूंदा जाता है,
ठीक है। तो गूंद के जो आटा तैयार हुआ दैट इज डो। इस तरह से कोई भी चीज़ बनाने के लिए जो डो तैयार किया जाता है उसी में ईस्ट डाला जाता है, ईस्ट सेल्स डाली जाती हैं। वाई? फॉर फर्मेंटेशन। तो जब फर्मेंटेशन होगा तो CO2 गैस इवॉल्व होगी, और जब CO2 गैस इवॉल्व होगी CO2 गैस रिलीज होगी, दैट मीन्स तो जहाँ से CO2 गैस रिलीज होगी वहाँ पे होल टाइप का बन जाएगा, और जब होल टाइप का बन जाएगा स्पेस बन जाएगा तो वो फ्लफ़ी हो जाएगा, जैसा कि आप देखते हो ब्रेड में भी देखते हो होल 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 होता है, इडली में भी आप देखते हो, केक में देखते हो, ढोकले में देखते हो, सेम थिंग इज देयर। ठीक है, यही फर्मेंटेशन होता है, CO2 रिलीज होती है, और जब CO2 रिलीज जहाँ से होती वहाँ पे स्पेस बन जाता है, इसीलिए डो जो है डो राइजेज, वो जो फूल जाता है कहना चाहिए आटा, है ना, और ये चीज़ें बनती तो फ्लफ़ी होती हैं, ये चीज़ें स्पंजी होती हैं आप कह सकते हो। तो इस तरह से फूड इंडस्ट्री में ये आपका ईस्ट यानी कि फंजाई यानी कि माइक्रोब्स का हेल्प मिलता है। फिर बीवरेजेस में देखिए, आप लोगों ने वाइन का नाम सुना तो होगा ही, बियर का नाम भी सुना होगा, ये ड्रिंक्स है, ठीक है, तो मेडिसिन के तौर पर भी ली जाती है और कुछ गलत तरीके से भी ली जाती है, छोड़िए उस बात को, लेकिन मेन क्या है कि बीवरेजेस हैं, दे आर ड्रिंक्स, वाइन एंड बियर। एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन वाइन एंड बियर इज क्या है, मेन डिफरेंस, डिफरेंस बताने के पहले मैं ये बता दूँ कि दोनों ही फर्मेंटेशन से ही तैयार होता है, दोनों को ही बनाने में शुगर का फर्मेंटेशन होता है और अल्कोहल बनता है, लेकिन वाइन में मेनली ग्रेप्स का फर्मेंटेशन करते हैं, और बियर जो होता है वो बार्ली से बनता है, बार्ली का फर्मेंटेशन करके बियर बनाया जाता है। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन वाइन एंड बियर। और बेटा ये यूज़ था, एग्ज़ाम्पल था यूज़ का, कि किस तरह से हम लोग माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं फूड इंडस्ट्री में भी और बेवरेज इंडस्ट्री में भी। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, मेडिसिन। ठीक, तो बेटा मेडिसिन में मेनली माइक्रोब्स की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स वी मेक एंटीबायोटिक, और ये एंटीबायोटिक सबसे पहले बना पेनिसिलियम नाम के फंगस से, ओके, और बनाया किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक सबसे पहले बनाया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और किसकी हेल्प से, पेनिसिलियम नाम के फंगस की हेल्प से बनाया, और जब बन गया तो उसके बाद तो भाई तमाम एंटीबायोटिक्स बनने लगे। ठीक, अब आइए वैक्सीन पर। क्या है वैक्सीन, ऐसा सब्सटेंस है वैक्सीन कि जब आपकी बॉडी में ये जाता है तो यदि बाहर से कोई माइक्रोब आप पर अटैक करता है तो वो सब्सटेंस आपकी रक्षा करता है। क्या होता है देखिए वैक्सीन, फिर से समझिए, देखिए आप ऐसे समझिए कि यदि कोई माइक्रोब आपकी बॉडी में एंटर किया, ठीक, तो आपकी बॉडी उस एक्सटर्नल माइक्रोब के अगेंस्ट यानी उसका विरोध करने के लिए अपने अंदर एक चीज़ तैयार करती है जिसको कहते हैं एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज़ उस माइक्रोब्स को परास्त कर देते हैं, हरा देते हैं, और वो माइक्रोब का कोई असर हमारी बॉडी पर नहीं होता। तो वैक्सीन क्या है, आप हिंदी में सुनते होंगे टीकाकरण, तो ये वैक्सीन यानी टीका है क्या। देखिए किसी भी
बीमारी का, किसी भी डिजीज़ का माइक्रोब, यानी कि वो डिजीज़ जिस माइक्रोब से होता है, वही माइक्रोब थोड़ा सा हम लोग की बॉडी में एंटर करा दिया जाता है। तो अब क्या होता है? अब ये होता है कि हमारी बॉडी उसका एंटीबॉडी तैयार कर लेती है, ठीक। अब यदि बाहर से कभी उस माइक्रोब का अटैक मेरे ऊपर हुआ, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में फुली प्रिपेयर है और हमारी बॉडी उस माइक्रोब को लड़ के भगा देती है। हमारी बॉडी, दैट मीन्स जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हुए हैं, वो एंटीबॉडीज़ उस माइक्रोब्स को हरा देते हैं, या कहिए कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरह से हमें वो बीमारी नहीं हो पाती है। तो वैक्सीनेशन में हम लोग यही करते हैं कि जिस बीमारी का वैक्सीनेशन देना होता है ना, उसी बीमारी का थोड़ा माइक्रोब हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है, ताकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार कर लेती है। और फिर कभी उस बीमारी का माइक्रोब यदि हमारी बॉडी में एंटर किया, तो हमें वो बीमारी इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारी बॉडी एंटीबॉडी तैयार करके प्रिपेयर है उस बीमारी से फाइट करने के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा है कि एग्रीकल्चर में भी हेल्पफुल है माइक्रोब्स, बिल्कुल है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप दाल डेली खाते हैं, इंग्लिश में आप उसको पल्सेस कहते हैं। तो जितने भी ये दाल वाले प्लांट्स होते हैं ना, अरहर, चना, दाल, मूंग, मसूर, जितने भी दाल वाले प्लांट्स, जिनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स। इनकी जो रूट्स होती हैं अंडर द ग्राउंड, इनकी जो रूट्स होती हैं ज़मीन के नीचे, उसको यदि आप बहुत अच्छे से देखो तो उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स, गांठें दिखाई देती हैं। एक्चुअली उन गांठों में बैक्टीरिया रहते हैं और वो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं सुनिएगा। कोई भी प्लांट एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकता अपनी ग्रोथ के लिए, तो वो बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में हैं, वो बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन को लेकर के उसको नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, जिसको प्लांट्स यूज़ करते हैं और उससे प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं उस नाइट्रेट का यूज़ करके। जब वो फसल कटती है तो रूट का पोर्शन ज़मीन में ही रह गया और वो नाइट्रेट जो है वो सॉइल में मिक्स हो करके सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाती है। इस तरह से एग्रीकल्चर में भी माइक्रोब्स का कंट्रीब्यूशन हुआ टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक। अब लास्ट में क्या है देखिए, फोर्थ पॉइंट आपका क्लीनिंग एनवायरनमेंट। बहुत सिंपल सी बात है, आप देखते हो इस चीज़ को। देखो जैसे मान लीजिए कोई एनिमल डेड हो गया या फिर कोई प्लांट डेड हो गया, आपने कभी केयर किया है? जैसे आप देखिए, मान लीजिए एनिमल देखा हो चाहे ना देखा हो उस तरह का डेड, क्योंकि बहुत स्मेल, बैड स्मेल देगा तो लोग हटा देंगे उसको। लेकिन प्लांट्स में तुम देख सकते हो कि प्लांट्स यदि गिर गया, टूट गया, ओके, किसी तरह से डेड हो गया है प्लांट, तो वो धीरे धीरे, आप उसको सिंपल भाषा में कहते हो कि सड़ रहा है। ऐसे डेड बॉडीज़ में भी होता है, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो, किसी की भी डेड बॉडी में यदि छोड़ दिया जाए तो आप कहोगे सड़ रहा है, रॉटिंग हो रही है। तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली बैक्टीरिया उस पर वर्क करते हैं। क्या करते हैं? उसको डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया।
जिन जिन चीज़ों से बना है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो भी चीज़ें हैं, फॉस्फोरस, जो भी चीज़ें हैं, बैक्टीरिया इन चीज़ों पर, इन डेड बॉडीज़ पर, इन एक्चुअली दे आर डिकेइंग, कैसे, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया वो चीज़ें सड़ती हैं. क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का फंक्शन उस पर होता है. बैक्टीरिया उन चीज़ों को डिसॉल्व करता है, और डिसॉल्व करके, या ये कहिए कि आप यदि सिंपल भाषा में कहें तो बैक्टीरिया तोड़ता है डिफ़िकल्ट मॉलिक्यूल्स को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और एटमॉस्फेयर में सिंपल मॉलिक्यूल्स वापस मिल जाते हैं. जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन पे बैक्टीरिया फंक्शन किया, उसको एमिनो एसिड में तोड़ेगा, एमिनो एसिड को और तोड़ा, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा. इस तरह से यदि कार्बोहाइड्रेट पर एक्शन किया, कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग, इस तरह से कहने का मतलब, जिन जिन मेन एलिमेंट से मिलके वो चीज़ें बनी होती हैं, बैक्टीरिया उन चीज़ों को डिकम्पोज करके और वापस वो सिंपल चीज़ें एटमॉस्फेयर को, सॉयल को, एटमॉस्फेयर को लौटा देता है. इस तरह से बैलेंसिंग का भी काम हुआ इन चीज़ों के, और सफाई भी हुई. इवन कहा गया कि यदि बैक्टीरिया नहीं रहेगा ना, तो कहना चाहिए कि ढेर लग जाएगा डेड एनिमल्स और प्लांट्स का. इसी तरह से जो सीवेज प्लांट आजकल बनाया जाता है, उसमें भी यही होता है, बैक्टीरिया का रिएक्शन कराया जाता है. बायोगैस बनती है, ठीक है, तो बायोगैस में भी यही होता है, बैक्टीरिया वर्क करेगा, चीज़ें सड़ेंगी, गोबर वगैरह जो है, काउडंग वगैरह सड़ेगा, उससे गैस बनेगी, उस गैस का फिर हम यूज़ करते हैं. ओके, तो बेटा दीज आर द यूजेज ऑफ माइक्रोब्स. दीज आर ऑल अबाउट, और वी कैन से दैट दिस इज ऑल अबाउट द यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और माइक्रोब्स. ओके.